इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा न्यूज है, क्योंकि जल्द ही आने वाले हैं इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट। यहां पर देख सकते हैं कि 4 लाख कॉपियों की हो चुकी है जांच, यानी 4 लाख से अधिक कॉपियों की जांच हो चुकी है। इस न्यूज़ को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ दर्ज होगी FIR, यानी जो भी शिक्षक अभी तक मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अब तक करीब 4 लाख कॉपियों की जांच हो चुकी है। इसमें से 3 लाख कॉपियों का प्राप्ति अंक ऑनलाइन के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मिल चुका है। कॉपियों के जांच करने में करीब 60% शिक्षक लगे हुए हैं। समिति द्वारा इंटरमीडिएट की कॉपियों की जांच 9 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया। इसके अनुसार सभी DM और DO से कहा गया है कि शिक्षक प्रतिनिधियों से बात कर वे कॉपी की जांच में सहयोग के लिए अपील करें। कॉपी जांच में शामिल होने की इच्छा जताने वाले शिक्षकों को ज्वाइन करवाएं। कॉपी जांच केंद्रों और DO कार्यालय में सुरक्षा दल मुहैया करवाकर धारा 144 लगाते हुए मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा भी कॉपी की जांच में ली जाए। राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले वित्त रहित उच्च माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की कॉपी जांच से इनकार करने पर उन्हें अनुदान नहीं दिया जाए। इंटरमीडिएट की पढ़ाई वाले अंगीभूत कॉलेजों के प्रोफेसर को भी कॉपी जांच में लगाया जाए। इससे इनकार करने वाले प्रोफेसर पर भी कानूनी और अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि समान वेतन एवं अन्य मांगों को लेकर सरकारी स्कूलों के शिक्षक हड़ताल पर हैं, जिसके कारण मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य बाधित हो रहा है। चलिए अब हम जानते हैं जिसमें कहा गया है कि जल्द ही जारी होंगे रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटर का रिजल्ट समय पर देना सरकार की प्राथमिकता, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों ने कहा कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट समय पर प्रकाशित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसका मकसद बिहार के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए नामांकन में मदद करना और समय बर्बाद होने से बचाना है। ऐसे में जिन शिक्षकों को मूल्यांकन में लगाया गया है, यदि उनमें से कोई मूल्यांकन में शामिल नहीं होता है तो ऐसे शिक्षकों पर कठोर अनुशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाए। सभी DM को व्यक्तिगत रूप से कॉपी की जांच का प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़ी जानकारी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।